अभी पर कर दी मैं उसी के साथ रहूंगी जो भी करना कर लेना मैं उसी के साथ रहूंगी और उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं समझ गए उंगली है मेरे आसपास तुम जो लगाते होते कौन हो तू मेरे से बात तेरा मना कर रहा हूं ना देख मिनट में तू क्यों बुलाऊं जहां से निकला है ना वहां पे उल्टा बाहर दूंगा मेरा लिमिट में लगा सकता उसको बकवास कर रही है मेरे से हैं कभीर के में आपका फिर से हेल्प कर रहा हूँ भाई की। आ, भाई का नाम है अंकित अंकित की जो प्रॉब्लम है वो है इनकी वाइफ इनकी वाइफ ने लगा रखा है इन पर झूठा दहेज का केस एंड सबसे बड़ी बात यह है जो इनके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि वो इनको मतलब पर्सनल टच नहीं करने देती हैं जब से शादी हुई है अभी तक इनके कोई बेबी नहीं है इनको कभी उनको टच ही नहीं करने दिया है और सबसे बड़ी चीज़ ये जो ऐसा रिश्ता कोई बनता है ना और ये फिर भी निभा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब ये क्या हो रहा है और एक्चुअल में क्यों हो रहा है आपके साथ ये बताओ एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी वाइफ से हाँ। वो मेरे पे दहेज का केस वग़ैरह भी डाल रही हैं हाँ। और कंप्लेंट वग़ैरह भी मेरे नाम से की हुई है उसने हाँ। और मैंने काफी बार उसे समझा लिया बट पहले दिन से ही उसने मेरे को बता दिया था कि मेरा कहीं और अफेयर है और मैं उसे बार बार समझा रहा हूँ बट वो मान ही नहीं रही इस चीज के लिए शादी को कितना टाइम हो गया शादी को चार साल हो चुके हैं चार साल, और मैं चार से... साल से इसे कंटिन्यू चल कर रहा हूँ अच्छा तो उन्होंने कभी आपको हाथ ही नहीं लगाने दिया बिल्कुल कुछ नहीं वो पहले दिन से ही यानी कि शादी के नेक्स्ट डे से ही अपने माइके में रह रही हैं अच्छा अच्छा तो ये तभी आप तो फिर इतना निभा क्यों रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली मेरे पीछे फैमिली को भी मुझे देखना पड़ता है हाँ। क्योंकि वो कंप्लेंट वगैरह मेरे फादर वगैरह सिस्टर वगैरह के नाम से भी उसने करा रखी है पैसे कितने मांग रही है वो पाँच लाख रुपये मेरे को कह रही है कि पाँच लाख रुपये दो वरना देज का केस डाल दूंगी अच्छा तो ये और जो, जो है वो आप दे नहीं पा रहे हो तो इसलिए आप मेरी ऐसी कंडीशन है नहीं जो कि मैं पाँच लाख रुपये दे दूँ यार मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है शादी हुई शादी की पहली रात को उन्होंने बता दिया कि कहीं अफेयर है और मैं आप साथ नहीं रह सकती तो आप तभी खत्म कर देते चार साल तक इतना लंबा खींचने की और वो भी आपने उनको कभी टच ही नहीं किया बिल्कुल मैंने अभी तक उनसे कभी टच भी नहीं किया और उनके कभी रिलेशन में भी नहीं रहा और मैंने फर्स्ट डे को भी बोला था कि ठीक है अगर करना है तो आज ही खत्म कर दो बट वो भी अपने मायके में रह के कंटिन्यूटी रखी उन्होंने तो इसके बारे में आपने उनके मतलब अपने ससुराल में जाके उनकी सबसे बात की सबसे कुछ? मैंने उनसे बात की बट वो उसके पूरे फैमिली वाले इसके फेवर में ही हैं उन्होंने एक दो बार मेरे सामने तो झूठ मोट को समझा देते हैं बट वो उस चीज़ को अमल नहीं करते कभी ओके तो मतलब भाई मैं अगर सही समझ पा रहा हूँ तो मतलब एक तरह से वो आपको ना इस चीज में फंसा रही है और पैसा पैसा रही है वो पैसा और रहना चाह रही है उसी बंदे के साथ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तो यार देखो और ये मैं इस चीज़ से ना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ प्लीज आप हेल्प करो मेरी वो तो ठीक है भाई देखो मेरे सामने ना ऐसी चीज़ पहली बार आई है कि शादी के चार साल हो गए और आपने कभी उनको हाथ नहीं लगाया फिर भी आप अपनी तरफ से निभा रहे हो बिल्कुल देखो मैं इसको प्यार बोलूँ क्या बोलूँ मेरे को नहीं पता बट बहुत आपके मतलब मैं बहुत बड़ा दिल है आपका अगर आप ऐसा काम कर रहे हो ठीक है बाकी ये है कि हम उनका वेट कर लेते हैं वैसे ये बताओ कभी ऐसा हादसा हुआ है लाइक उन्होंने कभी हाथ हाथ उठाया या आपकी मम्मी पे आपके ऊपर नहीं मेरी मदर वगैरह के ऊपर कई बार उन्होंने उठाया है अच्छा बट फिर भी मैं समझाता रहता था अच्छा अच्छा तो उस चीज़ को मानते नहीं है ऊपर से अब तो ये एटलीस्ट मेरे को बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए और मुझे तलाक दो अच्छा। मुझे ये सब कुछ मैं तेरे से तेरे से पैसा ऐटने के लिए कर रही हूँ चलो कोई दिक्कत नहीं आप परेशान मत हो आपकी जो परेशानी देखो वो मैं समझ गया हूँ बट एक्चुअल में ना ये वाली जो मेरे दिमाग में बार बार ये चीज़ आ रही है ना कि शादी के चार साल तक आपको हाथ नहीं लगाने दिया वो दिमाग में थोड़ा खटक रही है ठीक है उसके लिए मैं क्या करता हूँ मैं कैमरे के पीछे जा रहा हूँ पहले हम देखते हैं हो आपके साथ कैसा बिहेव करती हैं उसके बाद आप ये माइक अपने पास रखो मगर यार एक चीज़ बताओ ये एक सेकंड मेरे को ना बताया एक आपसे एक और बात पूछनी है कि कभी आपने ये चीज़ नहीं सोची कि फ्यूचर में कब तक तो ऐसी लाइफ बर्बाद करती रहेगी या हमारे बच्चे भी होंगे कि ये, ये चीज़ें आपने कभी डिस्कस नहीं की मैंने काफ़ी बार डिस्कस करने की कोशिश की बट वो मेरे से डिस्कस ही नहीं करती इस चीज़ को अच्छा वो मेरे से बात ही करना पसंद नहीं करती चलो ठीक है तो देखते हैं उनका रवैया आपके साथ कैसा बिहेवियर कैसा आप वहाँ के अपने पास रुको मैं मिलता हूँ जब जब आ जाओ मेरे पैसे, दे किस मेरे? के पैसे दूं मैं? कहा पैसे? पैसे ऐसी कंडीशन नहीं की तेरे को पहले भी कई बार समझाया कि मुझे कुछ नहीं समझ रहे मुझे पैसे चाहिए बस जो चीज मेरे पास कहाँ से पैसा हुआ पहले भी मैंने कुछ लेना देना माँ से मांगो अपनी बहन से मांगो किसी से भी मांगो मुझे पैसे लगा मेरे पास पैसा था मैंने तेरे ऊपर खर्च किया जो पैसा चाहिए जो तेरे शौक थे सारे पूरे किए पता

उनका उनका काम करती हूँ सुबह उनको चाय पिलाऊ तो किसी का कुछ काम मत कर बट शांति से तो रहे नहीं मुझे पैसे चाहिए मुझे तुमसे मेरे पास क्या लुका मेरा बंदा है मैं उसके साथ रहूंगी कुछ मैंने पहली रात ही तुम्हें बता दिया था मुझे कुछ नहीं पता मुझे तो 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 पैसे इतना इतना टाइम 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 क्यों वेस्ट किया उसी मैंने तुम तुमको बर्बाद करने के लिए क्या पैसे ऐसने के लिए मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है मुझे अभी पैसा चाहिए और अब पाँच लाख नहीं चाहिए पूरे दस लाख रुपए लूंगी मेरे पास नहीं है तेरे को तुमको चाहिए मुझे कुछ नहीं पता मेरी बात सुनो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मुझे मैं कह रहा क्या पैसा नहीं है मेरे पास मुझे पैसा चाहिए और पांच नहीं पूरे दस लाख चाहिए और किसी से भी ला तो मुझे नहीं पता मत लगाओ चार साल से हाथ नहीं लगाने दिया पता है ना फिर कैसे टच कर रहे हो मुझे तो मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ ना चार साल से तुझे मुझे तुझे नहीं पता वो तेरा यार मेरा घर बर्बाद कर रहा है उसे शर्म नहीं आ रही हां, उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत हो नहीं बोलू मेरा घर बर्बाद कर दिया अपने परिवार को देखो उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो जब मैं कह रहा हूँ उस चीज को मत उसके बारे में शांति ऐसी बैठ के बात हाँ छोड़ो हाथ लगाने की जरूरत नहीं मुझे मैंने चार तो फिर को साल, साल दिया तुम्हें जब जब लग... मुझे मुझे, तो करने भी भी है। मुझे करने की नहीं है तुम सोचते मैं तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती तुम्हारे साथ मेरे पास पैसा नहीं है ठीक है तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी मम्मी तुम पापा के आगे पीछे घूमती रहूँ तुम्हारा घर तुम्हारा घर मेरे लिए एक नर्क है कुछ नहीं पता मुझे पैसे चाहिए बस मेरे पास पैसा नहीं है मुझे पैसे ही चाहिए तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं किस चीज से बर्बाद कर देगी हर तरीके से बर्बाद कर दूंगी मैं कह रहा शांति से बैठ के बात तो करेगा पैसे दे मुझे पैसे कहाँ से दो कहाँ से दो तेरे नर से घर में रहू जब तक मैं? पैसा था मैंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया दिखा कहाँ पैसा है वो बताओ कहाँ पैसा है पिछले चार साल पूरे नहीं कर रहा है वो मुझे पैसा दे तेरे ऊपर शौक पे उड़ाया मैंने सारा मेरे, मेरे को कोई शौक नहीं करा है अपने ऊपर देखा होगा अपने परिवार को देखा होगा तेरे लिए गोल्ड बनवाया फोन दिलाया महंगी महंगी हर चीज दिलवाई साड़ियाँ दिलवाई से आई मुझे कुछ नहीं दिलवाया अपने परिवार पे खर्च कराया अपने माँ बाप की बीमारियों पे खर्च कर सुन हाथ मत लगाना तेरे तेरे यार को ना मैं बर्बाद कर दूंगा हाथ लगा के पूरा घर मेरा बर्बाद कर दिया आज मैं ऐसा आराम में हूँ उसी देख क्या हालत की क्या हुए? उसने ऐसा आराम हाँ करा सारा खर्चा सारा मैं करता उसने मेरा पूरा हूँ तूने तो नर्क में डाल डाल दिया था मुझे उस, उसकी अपनी कंडीशन ठीक नहीं है मैं तेरे को बोल रहा ना उसके बारे में कुछ नहीं बोलना मैं उसे मार दूंगा मारना हाथ तक नहीं लगा सकते। जान से मार दूंगा खत्म कर दूंगा वो बोला ना समझ में नहीं आया क्या मैं तेरे से कह रहा हूँ मैं उसे मैं हाथ नहीं लगा रहा तुझे मैंने बोल दिया ना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा ठीक है 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 हाथ लगा के दिखा देना ठीक वो मैं देख लूंगा आज आराम ना उसकी वजह से है क्या ऐसा आराम करा रहा मेरा, और उसने मेरा सारा कर दिया पैसा तुमने बर्बाद किया मुझे मैंने मैं अब तुम्हें बर्बाद करूंगी मेरे को क्या बर्बाद करेगी मेरे पास अब कुछ है ही नहीं तुम्हें ही बर्बाद करूंगी मैं अब मैं कह रहा हूँ शांति से आराम से बैठ के बात कर ले मुझे कोई बात नहीं करनी हाथ नहीं लगाना मुझे तेरे को मैंने पिछले चार साल से हाथ क्या लगाया समझ में नहीं आता क्या मैं कह रहा हूँ बैठ के बात कर मुझे हाथ नहीं लगाना बता देना मेरी लाइफ बर्बाद कर दी मैं उसी के साथ रहूंगी जो भी करना कर लो ना मैं उसी के साथ रहूंगी और उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं समझ गए मैं तेरे को कह रहा हूँ जान से मार दूंगा उसके हाथ लगा के दिखाना हाथ, हाथ लगा के दिखाना क्या हाथ उसको? लगा के दिखाऊं ठीक है दिखाऊ उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है क्या बात करने की मुझे नहीं पता उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है वो यार है चाहे कुछ भी है मेरा मैं उसी के साथ रहूंगी तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो

कैसे बकवास कर रही है? तुम पीछो, पीछो, तुम तुमने? वो बंदा वो बंदा हिमायती नहीं पहले बात बात तुम क्यों बीच में हो? ये बंदा जब तुझे कुछ कह नहीं रहा है तो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है तुझे चार साल से इसने हाथ नहीं लगाया तेरे को शर्म है उसके बाद भी तू क्या इसके साथ जब ए मेरे से ना उंगली नीचे करके बात कर मेरे से जो भी उंगली नीचे सामने आस पास जो ला मनाली तेरा मना कर रहा हूँ बर्बाद करोर को एक मिनट एक बार बताऊँ तुझे तू हरकते कर रही ना लिमिट में दो सेकंड में तुझे तो उठा के फेंक दूंगा तुझे तो तुम दोनों कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्या करेगी तू बता मेरा क्या तुम क्या कर लो, क्या मेरा, क्या कर लोगे तुम क्या लोगे मैं तो बहुत कुछ करूंगा हाँ बुलाया इसने हा, बुलाया मैंने बुलाया तेरे यार को तेरे यार के लिए मैंने भाई को बुलाया हाथ भी नहीं लगा सकते बुलाया ना मैं हाथ लगा के दिखाऊंगा आज दिखूंगा हाथ बुलाऊंगे क्यों बुलाऊ है क्यों बुलाऊं जहाँ से निकला है ना वो वहीं पर उल्टा मेरा लिमिट नहीं लगा सकता उसको बकवास कर रही है मेरे से है

हाँ। जो तो बकवास मार रही है ना ये मेरे सामने जो मेरे सामने उंगली उठा के बात कर रहे हैं उसकी उंगली तोड़ दू तो हो मैंने बोला हाथ नीचे कर ले लास्ट टाइम बोल रहा हूँ तुझे क्या करोगे तो? तो, तो पता कहाँ खड़ी तू तो किसके यार्ड में खड़ी तुझे पता है और देख कैमरा खड़ा बाप। कैमरा बंद करो क्योंकि इसने मुझे बुलाया इसने बुलाया लाइफ पर बात कर रही है अब मत हो गई तू मेरे सामने बताया वीडियो कहाँ जा रही हाँ है

क्यों लगाने दिया इसकी अच्छाई देख रही है तुझे तो कभी हाथ नहीं लगाया एक पति की इससे बड़ी अच्छाई क्या हो सके पिछले साल चार साल में एक बार भी तेरे से मैं कुछ बोला प्लीज अब ऐसा मत करो तो क्यों अब अब क्यों कैमरा बंद करा अब तो तेरा तो यार तो नहीं अब कैमरा बंद करा दूं मैं सॉरी सॉरी नहीं मांगे इससे हाथ जोड़कर तू मांगेगी इससे ना 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 सॉरी सॉरी दोनों से सॉरी मेरे से सुन मेरी बात इससे मैंने पहले गई थी वीडियो डलेगी ठीक है ये भी तुझे रखने को तैयार तो साफ मैंने कर दी क्यों ना भाई मुझे, मुझे रखना मुझे मुझे नहीं रखना इसे इसके इसके यार का क्या करना इसने पहले प्लीज हटा हाथ हाथ थोड़ा सा पिछले 4 साल ऐसा नहीं होगा पिछले 4 साल में मैंने तेरे को हाथ नहीं लगा मैं तुझे रखना भी नहीं चाहता हाथ लगा के बाद है तो बात कर ले लगाया था ना

जान दे भाई इसे चल बैठ बैठ यहाँ पे पक्का दिल कर ले भाई चार साल बहुत होते भाई चूतिया कटवाने के तूने कटवा लिया बहुत है इनफ है इतना बिल्कुल भाई मुझे अब रखना ही नहीं इसे इतना इनफ होता है यार किसी को तू इतना इतना सब्र कर लिया मैं होता तो तेरी जगह मैं तो फाड़ के सुखा देता भाई इतने टाइम भाई मैंने अब बहुत कुछ सोच के इसे एडजस्ट कर रहा था बट ये हो ही नहीं रही थी कोई टेंशन नहीं सारे है सारे झूठे दहेज के केस हट गए हैं जो वो पैसे मांग रहे सबका प्रूफ आ गया टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है उसके यार को एक बार ना ये वीडियो जब तो लेकर जाएगा ना एक बार हमारे मेरे बारे में बता दिया उसे ठीक है भाई घर में घुस का सुअर बनाऊंगा उसका समझ गया ठीक है बड़े भाई तो गाई अभी ये वीडियो मुझे यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी और क्योंकि यहाँ बहुत तमाशा हो चुका है ठीक है तो वीडियो का ठीक लगे तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो कबीर के प्रैंक ठीक है और यूट्यूब पे और फेसबुक पे कबीर के वहाँ जाकर फॉलो कर लो एंड ऑफिशियल कबीर जो इंस्टाग्राम मेरा यहाँ पे दिख रहा होगा वहाँ पे आगे मुझे मैसेज करो और फॉलो करो मैं मिलता हूँ आप अगली वीडियो में तो...